आप भी भारतीय टीम को एक जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने बड़ा ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से पहले दिन के खेल में अपनी बढ़त बनाने के साथ साथ कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। तो चलिए बताते हैं आपको भारतीय टीम के इन रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 4 अगस्त से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला का आगाज हो चुका है। दोस्तों, बता दें, इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन उनके बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखकर ये साबित होता है कि उनकी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला काफी ज्यादा गलत साबित हुआ। दोस्तों, बता दें, पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरे भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बड़ा ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। बता दें, पहली पारी में इंग्लिश टीम के बल्लेबाज सिर्फ 183 रन ही बना पाए। दोस्तों, बता दें, भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल काफी ज्यादा अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने भारतीय टीम को दिन खत्म होते होते एक अच्छी शुरुआत दिला दी थी और अब उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज दूसरे दिन के खेल में भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करें। लेकिन उसको भारतीय टीम में पहले दिन में जिस तरीके का जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया है, उसके बाद तो भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों, बता दें, अगर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 92 इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने के साथ ये भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें खिलाड़ी बन जाएंगे और वहीं जहीर खान 92 को इस मामले में पीछे छोड़ देंगे। विराट कोहली ने अब तक खेले गए 92 टेस्ट मैचों में लगभग 52 की औसत में 7,547 रन बनाए हैं। दोस्तों, बता दें, अगर केएल राहुल जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 97 रन और बना लेते हैं तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 6,000 रन पूरे कर लेंगे। दोस्तों, इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा के पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका रहेगा। जडेजा ने टेस्ट में अभी तक 1985 रन बनाए हैं और अगर वो पहले मुकाबले में 15 रन बनाने में सफल रहे तो वो भारत के लिए 2000 टेस्ट रन और 200 से ज्यादा विकेट पूरे करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। दोस्तों, अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी पहले टेस्ट मुकाबले में और भी ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं तो वो ऐसे ही कई और अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के खिलाड़ी पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड की टीम को धूल चटाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।